अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और फर्स्ट पार्ट है, एल गिवन है 56 सेंटीमीटर और थीटा गिवन है 45 डिग्रीज, और फाइंड क्या करना है हमने, आर फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था एंगल यानी थीटा को हमने किस में रखना है, डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियंस में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 9 के टेबल से कटिंग कर लें, 9 फाइव ज़र 45, 9 टू ज़र 18 और ये 0 भी साथ आ जाएगा, और इस तरह से 5 वन ज़र 5 और 5 फोर ज़र यानी पाई बाय 4, तो थीटा की वैल्यू आ गई है 5/4 रेडियंस। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दें, एज एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमने क्या फाइंड करना है, आर, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, तो एल की वैल्यू है 56 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा, हमारे पास है पाई बाय 4। अब आर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पाई ओवर 4, तो ये आ जाएगा 0.785, यानी पाई को हमने 4 से डिवाइड किया तो 0.785 आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है, 56 डिवाइडेड बाय 0.785, तो ये आ जाएगा 71.3 सेंटीमीटर, क्योंकि एल और आर का सेम यूनिट होता है, तो एल सेंटीमीटर में था, तो आंसर आर कभी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो कि पाई की क्या वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 यानी पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 3.142, तो ये वैल्यू आप पाई की जगह पुट करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 0.785 आ जाएगा, 56 को इसे डिवाइड कर देंगे तो 71.3 सेंटीमीटर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 7 रेडियंस। अब ये पहले से रेडियन में है, तो एज एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर फाइंड करना है एल ओवर थीटा, तो एल की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय थीटा है पाई ओवर 7, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय पाई ओवर 7, यानी पाई ओवर 7, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 है, 22/7 ये पाई की वैल्यू है, तो ये वैल्यू आती है 3 पॉइंट, यानी पाई इज इक्वल टू 3.14285, बड़ी वैल्यू है। इस तरह से आप पहले दो वैल्यूज ही याद रखें, 3.14 ही याद रखें, तो 3.14। अब इसके नीचे यानी इस पाई के नीचे क्या है, 7, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। अब 3 डिवाइडेड बाय 0.45, तो ये हमारे पास आ जाता है 6.67 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर।